Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting and the topic which we are discussing is Buyback of Shares. Again, Sakina miss hai. Same words, same dialogues jo every time bolte hai. First, kya karna hai? What are you supposed to do? You're supposed to read the problem properly, understand each and every word and then start solving. Student, if you don't understand the problem, you'll not be able to solve it, na? Correct? तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे विल रीड द प्रॉब्लम एंड रीडिंग शुड बी वेरी नाइसली इट इज अ प्रॉब्लम नंबर 11 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सीओग लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31st March 2012 ऑथराइज कैपिटल सी ऑथराइज कैपिटल नेवर कम इन टोटल आई थिंक एवरीबडी नोज इट ऑथराइज इज द मीनिंग इज व्हाट इट इज अ अपर लिमिट द कंपनी कैन बाय दिस मेनी शेयर्स from the market. After once this limit is over, you cannot go for further issue of shares. This is the upper limit. That means aapka company ko iske saath humne tie up kar diya. Now see, it is lakhs. Idhar 1 lakh hota, idhar 10 lakh hota, to ye hai 1 crore. Your company value is 1 crore. Okay? So your company value is 1 crore. But out of that, you have issued how many shares? 8000 equity share rupees 10 each 8 paid up what is that 8 paid up yeah abhi aapko yahan pe again I'll remember try to tell you one thing partly paid up shares cannot be buy back so agar problem mein nahi bhi bola gaya bhai abhi kal ke hi lecture mein maine aapko bola tha you are now in TY aapko apna common sense use karna hai aapko apna knowledge use karna hai ये आपको SY Bcom में भी सिखाया गया था रिडेम्पशन के अंदर शालिनी मिस ने कहा था ना कि पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी रिडीम एंड आई आल्सो टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक सो आपको सबसे पहले क्या करना है इस पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप ने आप बोलोगे मिस कैसे पता चल रहा है कि ये पार्टली पेड अप है या फुल्ली देखो 10 रुपए का शेयर है 8 रुपीज पेड अप है दैट मीन्स 2 रुपीज इज रिमेनिंग सो इट इज अनपेड अप शेयर समझा नाउ जनरल रिजर्व 10 लाख्स प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख्स सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख्स आपको पता है ये सब चीजें आपको कहाँ काम आने वाली है यस reserves and surplus में land and building plant and machinery furniture investment current asset bill receivable bank balance stock unsecured loan में है 10-11% debentures फिर आपके पास unsecured एक secured loan है which is 11% debentures then you have unsecured loan which is bank loan for 20 lakhs creditors bills payable and then total is coming to 2 crore 14 lakhs okay the company decide to buy back maximum number of shares as permit at offer price rupees 20 dekho aapko is bar khali price diya hai kya bola hai only price that means ye hamara maine aapko line se jo sikha rahi hu aapka second method hai so yahan pe kahin pe bhi aapko number of shares nahi bola hai kya bola hai ki 20 rupaye mein aap kharidoge फिर बोला है फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बाय बॉट बैक एंड पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर दैट सो सी यहाँ पे ओनली प्राइस दिया है लास्ट प्रॉब्लम में हमने बोल देखा था उन्होंने बोला था 25% शेयर हमने इतने रुपए में परचेज किया है यहाँ पे बोला 20 रुपीज में हमें बाय बैक करना है जितना भी बाय बैक हो सकता है मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम बाय बैक करना चाहते हैं बाय बैक का वो फॉर्मूला करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला है फिर बैलेंस शीट बनाने बोला देखो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि पार्टली पेड अप शेयर्स शुड बी कन्वर्टेड इन द फुल्ली अब ये नहीं करके प्रॉब्लम करोगे तो आपका पहला ही स्टेप रॉन्ग है पहला स्टेप रॉन्ग है पूरा के पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाने वाला है सो अगर देखो अगेन आई एम टेलिंग यू यू आर इन TY नाउ यू आर नॉट इन जूनियर KG यू आर नॉट इन 11th स्टैंडर्ड के हर एक बात आपको बताया जाएगा आपको अपना नॉलेज यूज करना है सी आप TY के अंदर हो TY मतलब आप अभी अकाउंट्स में ग्रेजुएट होने वाले हो अकाउंट्स में ग्रेजुएट होने वाले हो तो बहुत सी चीजें आपको याद रहनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए ओके नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो हम अज्यूम करते कि विल कम अप विद द
फाइनल कॉल एंड देन फाइनल कॉल इज रिसीव. तो सबसे पहले हम वो फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे. नाउ सी हाउ मच इज योर शेयर. 8 लाख इक्विटी शेयर है. कितना इक्विटी शेयर है? 8 लाख. 8 लाख इंटू टू कितना हो जाएगा? 16 लाख हो जाए. 8 2 16. सो हम सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? यू नो यू हैव टू फर्स्ट मेक अ कॉल एंड देन द मनी विल बी रिसीव. ओके सो यू विल डू इट. इट विल बी अ फाइनल कॉल. सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किसका कर रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या कर रहे हो आप? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर अकाउंट. अभी आपको मैंने बताया कैसे आएगा. आपको अमाउंट मालूम है. 8 2 16. सो इट इज 16 लाख्स. अरे सॉरी. ओके इट इज कमिंग टू 16 लाख्स बीइंग फाइनल कॉल मेड. ओके क्या बोलेंगे आप? बीइंग फाइनल कॉल मेड. ओके नरेशन आपको लिखना है. अब आपको कुछ भी नहीं बोला है तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि सबके सब पैसा आ गया है. आर यू गेटिंग मी? वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि पैसा आ गया होगा. ओके सो पैसा आता है तो आपका एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट. पता है पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट. ये आपको मैंने बोला है कि वेन एवर मनी कम्स इन, जब भी पैसा आता है बैंक इज ऑलवेज डेबिटेड. और क्रेडिट में क्या आता है? किसके कारण आपको पैसा आया है. सो पैसा क्यों आया है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हमें प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला गया था तो वी आर अज्यूमिंग इट कि सबके सब पैसे आ गए हैं. बराबर के नहीं बच्चों? सी ये दोनों एंट्री के बारे में प्रॉब्लम में कहीं भी नहीं बोला है. लेकिन हमने ये पहले ही सीखा है कि पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक. सो हम लोगों ने पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद अभी हम प्रॉब्लम के हिसाब से काम करेंगे. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम सेलिंग मी? व्हाट इज द प्रॉब्लम टेलिंग मी? बोलो बच्चों. अब प्रॉब्लम क्या बोल रहा है भाई? देखो 20 रुपए में शेयर खरीदना है, जितना मैक्सिमम खरीद सकते हो. सो आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है. आई थिंक अभी तक वो फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, हो गया होगा. फिर भी एक बार बता देती हूँ. देखो चेकिंग ऑफ बाय बैक व्हेन ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस मतलब देखो 20 रुपए आपको दिया है, दैट इज योर ऑफर प्राइस. आपको ये कंडीशन है. कितने कंडीशन है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंडीशन है. पहले में आपको रिसोर्सेज, आपके पास कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है. सेकेंड 25% ऑफ ओन फंड. तीसरा मैक्सिमम ओन फंड, आपके खुद के कितने फंड है. चौथा 25% ऑफ इक्विटी, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स. 25 टका नंबर ऑफ शेयर लेना है, उसको मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस करना है, दैट विल बी योर 25%. और इसमें से जो सबसे कम होगा वो आप बाय बैक करोगे एंड दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल. चलो ये तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. एम आई करे? देखो आपके पास जनरल रिजर्व 10 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख्स है. चलो डालो फिल इन द ब्लैंक्स में. यस सिक्योर. जनरल रिजर्व कितना बोला हमने? जनरल रिजर्व 10 लाख्स. करेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख्स और सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख्स. बराबर है कि नहीं? देख लो क्या देखना है. जनरल रिजर्व 10, प्रॉफिट 50, सिक्योरिटी प्रीमियम 20. हमने वैसे ही लिखा है 10 प्लेस. और कितना हो गया? 5 6 7 8. टोटल आपका हो गया 80 लाख्स. कितना हो गया आपका? ये 80 लाख्स. याद है आपको मैं ये हाईलाइट करती हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट थिंग. ये मेरा पहला फिगर है. नाउ सी यहाँ पे आपको ये रिजर्व और सरप्लस दिखता है. मैंने हर बार आपको बोला सीधा इसको उठा के यहाँ पे डालो. 80 लाख्स. एम आई करे? नाउ आपके पास 8 लाख इक्विटी शेयर थे.
तब आपके पास 8 रुपया था, अभी आपने 2 रुपया मंगा के पूरा 10 लाख कर दिया है। सो 8 लाख × 8 लाख कितना हो गया? 80 लाख, करेक्ट। 8 लाख × 10 कम्स टू 80 लाख, तो टोटल आपका फन हो गया 1 करोड़। 1 करोड़, सॉरी, 1 करोड़ 60 लाख, कितना हो गया? 1 करोड़ 16 लाख। इसका कितना? 25%। आपको इसका क्या लेना है? 25%। आई थिंक अभी आप लोग थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे ये चीज के लिए। इसका कितना लेना है? 25%। तो हम हमारा कैलकुलेटर लेंगे, कितने जीरोज है देखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 1 6 का गया हो, कैलकुलेटर जीरोज पे कंसंट्रेट करना बच्चों। 1 6, मैंने कितना बोला? 1 2 3 4 5 6 × 25% कितना आया? 40 लाख। कितना आया? 40 लाख। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज है ना, हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यही यहाँ पे आएगा 40। 1 2, देखो कितने 6 हो गए ना, 3 3 6, तो 40 लाख हो गया। सो सेकेंड मेरा आ रहा है 40 लाख। तीसरा मैक्सिमम ओन फंड, सी ओन फंड तो आप ऊपर से ही कॉपी करोगे, 1 60 2 5। ओके, ये 1 लाख 60 है। अब आपको बोल रहा है 25% ऑफ, 50% ऑफ बोरोड फंड। अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देखो मैंने प्रॉब्लम रीड किया था, मेरे पास इस बार बोरोड फंड 2 है, डिबेंचर है 20 लाख और बैंक लोन है 20 लाख, बराबर के नहीं? दोनों 20 लाख है, तो 20 लाख 20 लाख कितना होता है? 40 लाख होता है कि नहीं? तो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, 20 प्लस 20, करेक्ट, इज इक्वल टू 40 लाख। इसका 50, इसका 50%, सो इक्वल टू 20 लाख। समझा बच्चों? और या तो सिंपल है, दोनों 20 20 लाख है, करेक्ट, तो 40 लाख हुआ, 40 लाख का कितना आ गया? 20% इज 20,000, 20 लाख। सो मिनिमम वन ओन फंड इज हाउ मच? 1 करोड़ 40 लाख। कितना है? 1 करोड़ 40 लाख, ये आपका आ गया तीसरा फिगर। करोड़ों में बात हो रही है बाबा। नाउ 25% ऑफ इक्विटी शेयर, आपका इक्विटी शेयर कितना है बेटा? नंबर ऑफ शेयर, तो आपके पास 8 लाख है, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 8 लाख, एम आई करे? सो 8 लाख, 1 2 3 4 5 × 25% कितना आ रहा है? 2 लाख, कितना आ रहा है आपका? 2 लाख। ऑफर प्राइस कितना बोला है आपको? 20 रुपीज दिया है ना आपको ऑफर प्राइस, देखो यहाँ पे आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मैंने याद किया, देखो 20 रुपया ऑफर प्राइस है। ओके, सो योर ऑफर प्राइस इज 20, सो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? देखो आपका ये 20 लाख्स है, 1 2 3 4 5, 2 लाख्स × 20, सी इट इज कमिंग टू 40 लाख, 40 लाख। ओके, सो इट इज कमिंग टू 40
लैक्स, इट इज कमिंग टू हाउ मच? 40 लैक्स। आपको अभी मैंने ये बताया था। नाउ व्हाट इज अ प्रॉब्लम? नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? देखो हमें क्या बोला था मैंने यहाँ पे, देखो क्या मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक इज लीस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4। सो 1 इज 80 लैक्स, 2 इज 40 लैक्स, सो 40 लैक्स होता है, 3 इज 1 करोड़, तो ऑब्वियसली 40 लैक्स होता है, और यहाँ पे तो 40 लैक्स ही है, तो लीस्ट मतलब सबसे कम क्या है? 40 लैक्स। सो आपका बाय बैक का अमाउंट कितना आएगा बच्चों? योर बाय बैक अमाउंट विल कम टू हाउ मच? 40 लैक्स। बराबर है कि नहीं? उसके बाद मैंने बोला पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर इज स्टेप नंबर 5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। स्टेप नंबर 5 में आपका क्या आया है? 40 लैक्स डिवाइड बाय ऑफर प्राइस इज आपका 20। सो आपको नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करेंगे, तो 40 लैक्स डिवाइड बाय 20, दैट इज कमिंग टू 2 लैक्स। सो हाउ मच शेयर्स यू आर गोइंग टू बाय इट? 2 लैक्स। आर यू गेटिंग मी? सो यू आर गोइंग टू बाय 2 लैक्स शेयर्स एट ₹20 each। आया इतना समझ में? अगेन मैं रिपीट करूंगी, ₹20 के अगर आप बाय बैक कर रहे हो तो आपको अभी यू हैव माइट अंडरस्टूड इट। ₹10 का शेयर है, ₹20 में बाय बैक कर रहे हैं, तो ₹10 प्रीमियम है। एम आई करेक्ट? अब बाय बैक का अमाउंट मिल गया तो आपको एंट्रीज पता है कौन कौन सी एंट्रीज है। पहली एंट्री है बाय बैक की, सेकेंड एंट्री है CRR की, थर्ड एंट्री है प्रीमियम की, और लास्ट है पेमेंट की। उससे ज्यादा तो प्रॉब्लम में मांगा ही नहीं है हमसे। ओके चलो, अब हम हमारा जर्नल एंट्री कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी वॉट? यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर प्रीमियम ऑन, अभी आपको ये पूरा बाय हार्ट हो गया होगा कि ये एंट्रीज आपको करनी है, राइट? अ बाय बिल, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट, ऊपर रह गया है डेबिट टू। किसको पैसा दे रहे हैं आप? ये पूरा टू किसे पैसा दे रहे हैं आप? इक्विटी किसे दे रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एम आई करेक्ट? यस। अभी देखो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको कितना देना है, आपने ऑलरेडी देख लिया है, आपको देना है 40 लैक्स। 2 लैक्स का शेयर का बायबैक है, तो 2 लैक मल्टीप्लाई बाय 10 कम्स टू 20 लैक्स। एम आई करेक्ट? सो ऑब्वियसली ₹10 प्रीमियम भी ₹10 है, और ये भी है, तो आपका ये एंट्री बहुत सिंपल हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। आया समझ में? उसके बाद मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, CRR क्रिएट करना है। नाउ सी, CRR क्रिएट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, यू नो हमारे लिए बहुत इजी है कि हमारे पास क्या क्या है। देखो आई थिंक आपके पास क्या 10 लाख जनरल रिजर्व में है, और आपका वो तो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में से एक ही जगह से उठाओ ना। प्रॉफिट एंड लॉस में 50 लाख है, तो हम लोग 20 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से CRR में डाल देते। ओके चलो, कहाँ गया हमारा जर्नल एंट्री? यस, सो इट इज व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या किया, क्रिएट किया है CRR, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। ओके CRR, आपको मैंने हर बार बोला है CRR सिर्फ ये वैल्यू का आता है, यू नो मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ, CRR इज ओनली फॉर कैपिटल वैल्यू। ओके सो CRR इज 20 लैक्स। फिर आपको मैंने क्या बोला है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम आपको कहाँ से लेना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है, और जहां तक मुझे याद है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो पूरा 20 लाख है, सो हम वो पूरा के पूरा यूटिलाइज करेंगे। ओके सो इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू क्या है?
प्रीमियम ऑन बायबैक देखो कितना है आपका 20 लाख, तो यहाँ आ गया 20 लाख। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम आई करेक्ट? लास्ट एंट्री इज पेमेंट, किसको पेमेंट करना है आपको? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को, एम आई करेक्ट? सो जिसे पेमेंट करना है वो डेबिट द रिसीवर, यस। तो आपने इसको पेमेंट करना है, तो आप, सॉरी ये क्या हुआ? जिसे आप पेमेंट करना है उसको आप डेबिट लिखोगे, और पैसा आपके पास जा रहा है तो बैंक विल बी क्रेडिटेड, सो टू बैंक अकाउंट। ओके कितना पैसा दे रहे हो आप? 40 लाख्स, बराबर है? सो इट इज 40 लाख्स, करेक्ट? सो देखो आपका जर्नल एंट्रीज, आपको मैंने पहले भी बताया है व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री। इस बार पहले ये दो एंट्री एक्सेस आ गई है बिकॉज इट वाज पार्टली पेड अप शेयर। ओके और ये अपनी कॉमन है, इक्विटी शेयर बायबैक करने की एंट्री है, सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री है, लास्ट बट नॉट लीस्ट पेमेंट की एंट्री है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मेनी एंट्रीज यू आर गोइंग टू हैव इट। नाउ हमें प्रॉब्लम में क्या क्या बोला है? देखो प्रॉब्लम में हमसे क्या मांगा है, बायबैक, मैक्सिमम बायबैक हमने वो कर दिया, फॉर्मूले से बता दिया, जर्नल एंट्री हमने कर दी, अब उन्होंने हमसे बैलेंस शीट भी मांगा है। ओके तो नाउ बैलेंस शीट है, तो देखो सबसे पहले है ना हम लोग ये ऑथराइज कैपिटल का भी लिखेंगे, नहीं कॉपी करते हैं ताकि मैं वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकूं, कंट्रोल सी। नाउ बैलेंस शीट, आपको मैंने बैलेंस शीट का भी बोला है, आपको ये प्रोफॉर्मा बाय हार्ट कर लेना है, यू नो एज अ बाइबल आपको मैंने बोला, आपको ये बाय हार्ट होना ही चाहिए बच्चों, यू नो अगर आप ये बाय हार्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये फॉर्मूला एवरी टाइम विल बी सेम, आपको सिर्फ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको मैंने बोला है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका वर्किंग नोट आएगा, बाकी इट बिकम्स वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट नंबर वन आएगा। यस वर्किंग नोट नंबर वन इज वॉट? हमेशा अपना वर्किंग नोट नंबर वन क्या आता है? शेयर कैपिटल, करेक्ट? सो सबसे पहले मैंने आपको बोला है आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये जो फिगर है ये हमें यहाँ पे लिखना है, सो दैट इज कमिंग टू हाउ मच? दैट इज कमिंग टू 1 करोड़। अब बच्चों ये चीज हमारे टोटलिंग में कभी भी नहीं आती है, इसीलिए हम इसके नीचे है ना लाइन ड्रॉ करते हैं, यू नो वी ऑलवेज हैव अ डबल लाइन इन दैट दिस, सो वी डू दैट, दैट विल बी वेरी गुड। सी ये लाइन हो जाती है, दिस नेवर कम्स इन टोटलिंग, इट इज जस्ट एन ऑथराइज कैपिटल कि कंपनी इतना बाय कर सकती है। अभी आपके पास 8 लाख शेयर था, 8 लाख शेयर में से 2 लाख आपने बायबैक कर दिया, तो आपके पास बचा कितना? 6 लाख। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इश्यूड, याद है आपको मैंने सिखाया है, यू हैव टू राइट योर इश्यूड कॉमा सब्सक्राइब एंड पेड अप, करेक्ट? हाँ चलो, आपके पास कितने शेयर्स है? 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस, क्या हो गया, ऑफ रुपीस 10 ईच। ओके सो आपके पास कितने शेयर्स है? 6 लाख इंटू 10 इज 60 लाख। ओके सो यू आर हैविंग हाउ मेनी शेयर? 60 लाख। ये आपको इधर भी आपको चाहिए तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको मैंने बताया था ये आउटर कॉलम वाला फिगर्स जाता है एज इट इज कंप्यूटराइज, सो आई ऑलवेज डू द
कलरिंग ऑफ इट। सो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बना लिया है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। वर्किंग नोट नंबर 1 आपका कितना है, इक्विटी शेयर 60 लाख। अब आपका आएगा सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे यार कहाँ गया, हाँ सेकेंड इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर सेकेंड आपको मैंने बोला एक लाइन छोड़ के यू आर गोइंग टू राइट योर रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ सी रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपके पास था A1, वाज जनरल रिजर्व, अपने याद तो हो जाता है ना, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमने कुछ भी यूज नहीं किया, सो वी विल डायरेक्टली राइट हियर 10 लाख। ओके देन वी हैड बी, बी हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे पास था 50 लाख, उसमें से मैंने यूज किया CRR में, तो लेस CRR करेक्ट। कितना यूज किया CRR में, मैंने यूज किया 20 लाख, तो मेरे पास बचा कितना 30 लाख। देन तीसरा मेरे पास था सिक्योरिटी प्रीमियम। यस आई हैड सिक्योरिटी प्रीमियम, हाउ मच 20 लाख, उसको मैंने यूज किया लेस आई हैड यूज इन प्रीमियम ऑन बाय बैक करेक्ट। कितना यूज किया मैंने, फुल 20 लाख प्रीमियम और बायबैक में यूज किया, सो दिस इज बिकमिंग नील। अब एक नया क्रिएट हुआ जिसको हम डी बोलेंगे, दैट क्रिएशन इज CRR, एम आई करेक्ट। कितना CRR मैंने क्रिएट किया, देखो ऊपर ही है 20 लाख। सो अब मेरे पास टोटल ये कितना आ गया, 20 प्लस 30 50, तो दिस इज बिकमिंग 60 लाख करेक्ट। सी हमारे पास जब ये होता है ना, तो हम लोग सिंगल लाइन और डबल लाइन ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं इसे कलर करती हूँ, तो कितना है 60 लाख। तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 60 लाख, तो दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 2, अगेन आई एम हैविंग 60 लाख। ओके उसके बाद देखो, अब आपको अपने प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना है, आपके प्रॉब्लम में क्या क्या है, ये हमारा हो गया। नाउ सी यू हैव सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, एम आई करेक्ट। दोनों इज योर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ आर योर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ओके सो दैट विल कम इन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो इस बार हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सो वर्किंग नोट नंबर 3 विल मेक इट। यस यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ओके क्या है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग बच्चों, हमारा डिबेंचर्स 11% डिबेंचर्स है और बैंक लोन है, एम आई करे। हम चाहिए तो हम ऐसे पूरा कॉपी कर सकते हैं, सिक्योर्ड लोन एंड ऑल दैट, कंट्रोल सी। आपको पूरा के पूरा ऐसे, आपके पास कंट्रोल सी नहीं है आई नो है, आपको सीधा के सीधा ऐसे कॉपी कर लेना है कि सिक्योर्ड लोन इतना है 10 लाख, सो टोटल आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना है 40 लाख, बराबर के नहीं। देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में सिक्योर्ड लोन है 11%, अनसिक्योर्ड लोन है बैंक लोन, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, यू आर हैविंग दिस एज 40 लाख। यस आपके पास कितना है 40 लाख। सो ये 40 लाख आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, 40 लाख।
प्रोविजन हमारे पास कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया था, आपको चाहिए तो आप नेल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अगेन इस सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज नॉट देयर। नाउ विल अगेन गो टू द बैलेंस शीट एंड सी व्हाट इज देयर। देखो हम लोग ने ये एंट्री कर लिया है, हमने ये हो गया, ये हो गया। अब नाउ सी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बोथ विल गो इन व्हाट। यस, यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट देखेंगे ये दोनों चीजें को कितना अमाउंट है, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स इज 15 लाख, बिल्स पेबल इज 15 लाख। सो यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे आते हैं, ट्रेड पेबल्स में आते हैं। सो दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4। सो इस बार दो चीजें हैं, इस बार मैं आपको बहुत डीपली बता रही हूँ बेटा, क्योंकि दो चीजें हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर्थ, ये आएगा आपका ट्रेड पेबल्स। यस, ट्रेड पेबल्स करेक्ट। सो ट्रेड पेबल्स में आपका आएगा क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स कितना है 15 लाख, और दूसरा है बिल्स पेबल बोथ आर 15 15 लाख। सो दैट इज कमिंग टू क्या हुआ? दैट इज कमिंग टू 30 लाख। ओके सो दिस विल अगेन गो डायरेक्टली इन टू द बैलेंस शीट, दैट इज वर्किंग नंबर 4, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। सो यहाँ पे इट इज कमिंग टू 30 लाख। नाउ सी शॉर्ट टर्म लाइ, बाकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, सो यू कैन राइट योर निल निल निल। ओके नाउ यू विल बी डूइंग अ टोटलिंग ऑफ इट। सो व्हाट इज योर टोटल? ओके नाउ सी 60 60 लाख इज 1 लाख 20। अभी हम लोग सीधा टोटल करते हैं, हम लोग लास्ट में ना जीरोज ऐड कर लेंगे। जीरोज देखो सब में कॉमन है, कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 19, यस 19। सो दैट इज 1 करोड़ 90 लाख। ऑब्वियसली 1 करोड़ 90 बिकॉज यही 1 लाख 20 करोड़ हो रहा है, 60 करोड़ और 1 लाख 90 करोड़। सो दैट इज ओनली कमिंग डायरेक्टली, इट इज कमिंग टू 1 करोड़ 90 लाख। आर यू गेटिंग मी? सो आपका एस लाइबली साइड का टोटल इज 1 करोड़ 90 लाख। नाउ लेट्स गो टू द लाइबिलिटी एसेट साइड। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द एसेट, विल कम टू द लाइबिलिटी साइड। यस सी अगेन, यहाँ पे देखो तीन चीज है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो ये अगेन हमें इसका फिक्स एसेट्स है, ऑल दिस आर फिक्स एसेट। यू विल हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर दिस ऑल्सो, एम आई करेक्ट? सो वर्किंग नोट नंबर 5, दिस वन आई एम डूइंग इट बेटा। आप जब फाइनल अकाउंट्स करोगे ना, इसमें भी इतना ही डीपली आपको करना है, फिक्स एसेट्स। ओके नाउ सी आपके पास फिक्स एसेट्स में क्या क्या है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग इज 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, फर्नीचर इज 20 लाख। सो दिस टोटल इज कमिंग टू 30 30 60 70 80, दैट इज कमिंग टू 82 लाख्स करेक्ट। सो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5 करेक्ट। सो यहाँ पे फिक्स एसेट में दिस ऑल आर टेंजेबल एसेट करेक्ट, वर्किंग नोट नंबर 5 दैट वॉज कमिंग टू 82 लाख्स। ओके आफ्टर दैट यू हैव इन्वेस्टमेंट 15 लाख्स। सो इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली लिखोगे, आई थिंक इन्वेस्टमेंट का कॉलम डायरेक्टली है, देखो यहाँ पे है। आपका इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे है डायरेक्टली 15 लाख्स करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट आपका डायरेक्टली है 15 लाख्स, यू डोंट हैव टू मेक इट एनी करेक्शन देयर। आफ्टर दैट यू हैव
करंट एसेट, डेटर्स और बिल्स पेबल, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्रेड रिसीवेबल. तो ये दोनों 47 लाख और 60 लाख. यस, सो आई एम गोइंग टू डू योर, सो वर्किंग नोट नंबर, करंट इन्वेस्टमेंट निल है, इन्वेंट्रीज है आपके पास, कितना है इन्वेंट्रीज बच्चों देखो, इन्वेंट्रीज स्टॉक इज 20 लाख, सो इन्वेंट्री इज 20 लाख. ट्रेड रिसीवेबल का हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 6. दिस टाइम आई एम डूइंग इट वेरी डीपली सो दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू द वर्किंग नोट, दैट इज इट इज ट्रेड रिसीवेबल. ओके स्टूडेंट्स, मुझे करंट एसेट नहीं लिखना है, खाली डेटर्स लिखना है. ओके, सो आपका आ गया, ये दोनों को आप टोटल करोगे तो इट इज कमिंग टू 57 लाख. एम आई करेक्ट? सो द टोटल इज कमिंग टू हाउ मच, 57 लाख. सो वर्किंग नंबर से इधर हम लिखेंगे 57 लाख. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो बच्चों, इस बार आपके पास देखो स्टार्टिंग में आपके पास कितना पैसा था, हम लोग यहाँ पे भी वर्किंग नोट कर सकते हैं, ऐसे आप बता सकते हो. देखो कैश आपके पास क्या, बैंक बैलेंस कितना था, 40 लाख. ओके, सो यू आर हैविंग 40 लाख एज अ बैंक बैलेंस. फिर आपको एड आया, एड आपने पता है शेयर से पैसे मंगाए थे, 16 लाख आपने मंगाए थे. देन आपने क्या किया, सिक्सटीन लाख आपने मंगाया, उसके बाद आपने 40 लाख का पेमेंट किया. आपको याद है 16 लाख आपने क्या मंगाया था, 16 लाख आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगाया था, एंड देन 40 लाख का आपने पेमेंट किया था. सो ये 40 40 सीधा गया, तो आपके पास बचा कितना, 16 लाख. कितना बचा आपके पास, 16 लाख. अब आपको ये टोटल करना है, अगर आपका ये टोटल टैली हो रहा है दैट मीन्स वी हैव डन इट करेक्टली, नहीं तो कहीं पे हमने मिस्टेक्स किया है. सो इट इज 82 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 57 प्लस 16. बाद में हम लोग पांच जीरोज ऐड कर देंगे. देखो 1 लाख, 1 करोड़ 90 लाख आया ना. यस, बिकॉज हमें 5 जीरो उसके बाद ऐड करना है ना, तो यहाँ पे है 1 9, फिर 1 2 3 4 5, 1 करोड़ 90 लाख. ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू आर गोइंग टू डू. जब फाइनल अकाउंट्स भी हम करेंगे, हमारा बैलेंस शीट इतना ही डीपली होने वाला है. नाउ सी, फॉर्मूलाज इज सेम, यही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें क्या होगा, हर एक का वर्किंग नोट बनेगा, हर एक का आपको वर्किंग नोट बना के देन यू हैव टू पुट एन अमाउंट. यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली 4 5 ही वर्किंग नोट है हम बना रहे हैं. देखो आपका इक्विटी शेयर का वर्किंग नोट बना, बिकॉज वो हमेशा बनेगा, रिजर्व सरप्लस में देर वॉज अ चेंजेस, सो यू हैव मेक अ वर्किंग नोट. प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज में आपके पास 2 था इसलिए आपने बनाया. यहाँ पे ट्रेड पेबल भी 2 था, एंड देन यू गिव इन्वेस्ट टेंजिबल एसेट भी आपके पास 3 एसेट था इसलिए आपने बनाया. एक के ज्यादा कोई भी चीजें होगी तो आप हमेशा वर्किंग नोट बनाओगे. ओके, गेटेंगे, और आपका वर्किंग नोट भी बता देते हैं आपको. देखो आपका वर्किंग नोट ऐसे दिखता है, ये आपका नोट्स टू द अकाउंट्स है, यहाँ पे रफली आप कर रहे हो और वहां पे आप फेयरली लेके जा रहे हो. ओके स्टूडेंट, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम. आई थिंक आई हैव डन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट. अगेन आई विल रिपीट इट, यहाँ पे आपको ऑफर प्राइस दिया था, तो आपको फाइंड आउट करने बोला था, तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज अ सेकेंड मेथड व्हाट वी आर सपोज टू डू. अगेन आई विल रिपीट, ऑफर प्राइस देने के टाइम पे जो फॉर्मूलाज है उसको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लो.
बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बाय हार्ट कर लो, अगर ये दोनों चीज आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट करोगे तो चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। ओके चलो, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग, बी सेफ एट होम। ओके बाय।